ओसीडी बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या ओसीडी की कोई सिंपल सी टेक्निक है? क्या घर में भी हम ओसीडी को ट्रीट कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आई एम बीका बतूल, आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, उन पर प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ। और मैं वाकई दिल से बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। यू नो मैं इस सीन के अंदर सबसे ज़्यादा यंग हूँ, मतलब इस सीन के अंदर सबसे यंगेस्ट जो है वो मैं ही कर रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा इसके एक्सपीरियंस भी हासिल किया है। नो डाउट मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे मेंटर कोचेस मिले और मैंने बहुत से प्रोफेशनल्स के साथ काम किया। सो आज मैं यहाँ हूँ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। और आप भी मुझे जो क्वेश्चंस करते हैं या मुझे से कहने जो अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऐसे ही प्यार करते रहिए और लाइक करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअली जहाँ मैं बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं वहाँ बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी पहले ओसीडी की, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, आप लोगों का देखना ज़रूरी है वो, ताकि आप समझ सकें कि असल में ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता क्या है। ओके सो मैंने एक वीडियो बनाई थी ओसीडी के ऊपर, तो उसके ऊपर मुझे कमेंट आया था कि मैम वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉपरली थेरापीज़ होती हैं इसकी, ठीक है, जो कि हैप्पीलाइफ लेडीज़ प्रोवाइड करती है एंड आपको बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी के अंदर हम और हमारे प्रोफेशनल कोचेज आपको के लिए हील करते हैं या आपको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से कहने निजात हासिल करना चाहते हैं तो फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। सो यस, तो एक्चुअली ओसीडी के वीडियो के ऊपर मुझे कमेंट्स आए थे कि मैम ओसीडी की कोई सिंपल सी टेक्निक है जो हम घर पे कर सकें, सीबीटी या अदर कोई थेरापीज या सिंपल टेक्निक्स हैं जो घर पे कर सकें। वेल अगर मैं आपको सिंपली कहूँ तो ओसीडी के प्रॉपर थेरापीज ज़रूरी होती हैं, बिकॉज ये ट्रीटेबल चीज़ ऑब्वियसली, लेकिन ये प्रॉपर थेरापिस्ट एंड कोच ही आपको इसके अंदर फैसिलिटेट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपको वक्ती तौर पर टेक्निक्स फ़ायदा पहुँचा सकती है, बट जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको एक थेरापिस्ट या काउंसलर या कोच से जो है कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एंड वो स्पेशली आप कहाँ करेंगे, ऑब्वियसली हैप्पी लाइफ लेडीज के अंदर, क्योंकि ये बेस्ट इन द गेम है। ओके सो चलिए, मैं वैसे तो कह लें ये प्रॉपर इसकी ट्रीटमेंट होती है, बट मैं आपको बताती हूँ कि आप घर में जब आप ओसीडी फील कर रहे हो, आपको अंदर बहुत एंग्जाइटी फील हो रही हो, ठीक है, तो आप क्या करें, मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बताती हूँ। ये है एक्चुअली ये सीबीटी टेक्निक भी, इसको एक तरह कहा जाता है, ये सीबीटी मतलब होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी। इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, किसी दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये थेरापी होती क्या। ओके सो इसकी भी एक टेक्निक होती है जिसको कहा जाता है 444, शायद आपको सुनने में अजीब सा लगे बट मैं आपको बताती हूँ 444 ये ब्रीथिंग टेक्निक है। कैसे, आपने 4 सेकेंड्स में इनहेल करना है थ्रू योर नोज से आपने इनहेल करना है, डीप ब्रेथ लेना है हमने, हम 4 सेकेंड्स में नोज से इनहेल करेंगे, देन 4 सेकेंड्स अपने ब्रेथ को होल्ड करेंगे, अपने सांस को रोकेंगे एंड देन 4 सेकेंड्स में ही हम एक्सहेल करेंगे, और एक्सहेल नोज से नहीं मुँह से करेंगे, ठीक है। 4 सेकेंड हमने अंदर, 4 सेकेंड होल्ड करना है एंड देन 4 सेकेंड में हमने एक्सहेल करना है। तो आपको तो पता ही है कि लबीका से बोलती नहीं, आपको करके दिखाती है, तो मैं आपको खुद करके दिखाऊंगी एंड आप जो है प्रॉपरली अगर ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और ख़ुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं विद मी द प्रोफेशनल एंड द यंगेस्ट वन इन द गेम, तो आप फॉर्म ज़रूर फिल कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट, मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपने मेरे हैंड्स को नोट करना है, मैं यहाँ से सेकेंड्स आपको गिनवाऊंगी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे, ठीक है, वैसे बहुत से लोगों को ये जो चीज़ है आंखें बंद करके बेहतर महसूस होती है, आप आंखें बंद करके जो है इसको कर लीजिए, ठीक है, यानी आंखें बंद करके डीप ब्रेथ्स लेना 4 सेकेंड। यस, कुछ इस तरह आप खुद अभी भी ट्राई करें। वैसे जो ओसीडी के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत के लिए काम आ सकती है, क्यों, क्योंकि जब ऑब्वियसली उनको कोई ऑब्सेशन होता है या कंपल्शन होता है तब वो बहुत एंग्जाइटी में चले जाते हैं, जैसे मैंने ओसीडी की वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था, उसको ज़रूर देखिएगा, तो वो बहुत एंग्जाइटी में चले जाते हैं, ठीक है। तो उस एंग्जाइटी से निकलने के लिए ब्रीथिंग टेक्निक आपके बहुत ज़्यादा काम कर सकती है, ठीक है।
तो ये जो चीज़ है इसे कहा जाता है 4-4-4। ये 4-4-4 ब्रीथिंग टेक्निक है। 4 सेकेंड इनहेल एंड देन 4 सेकेंड हमने होल्ड करना है, 4 सेकेंड हमने इसको एक्सहेल करना है। मैं डीप ब्रीथिंग की बहुत जल्द वीडियो ला रही हूँ जिसके अंदर मैं प्रॉपर आपको बताऊंगी कि इसके पीछे साइंस क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ये ब्रीथिंग कैसे वर्क करती है, किस पार्ट के अंदर हमें फील होता है, कहाँ हमारी ऑक्सीजन रुकती है, या आखिर डीप ब्रीथिंग को इतना अच्छा क्यों माना जाता है, मैं आपको ये बताऊंगी। और मैं पर्सनली बताऊँ, डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छी चीज़ है। क्या बहुत अच्छी चीज़ है? एंड इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए आपको मेरे चैनल को रखना है सब्सक्राइब। और मैं बहुत कमाल की मुख्तलिफ तरह की डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है उसको प्रैक्टिस करके अपनी ज़िंदगी में बेहतर बन सकें, और आपकी ज़िंदगी में आपको जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है आप उसको कह लें उसके फेस कर सकें और उसको जड़ से ख़त्म कर सकें। एंड वो कैसे होगी? हैप्पी लाइफ लेडीज़ को ज्वाइन करने से होगी। आप जो है आज ही हैप्पी लाइफ लेडीज़ को ज्वाइन कीजिए, हमारा फॉर्म फिल कीजिए और आज ही हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हैप्पी लाइफ लेडीज़ पाकिस्तान का सबसे बढ़ता हुआ क्लब है, सो आपको भी ज्वाइन करने बेस्ट क्लब है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।